प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से उनकी मुलाकात हुई है। जय प्रताप सिंह जी, आज आपने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है, किन किन मुद्दों पे बात हुई है? हमारा एक ही मुद्दा था, एक तो उनको मैं बधाई देना चाह रहा था, अभी नए नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने। दूसरा हमारा जो लक्ष्य था, वैक्सीन से संबंधित उत्तर प्रदेश में उनकी जनसंख्या के आधार पर वैक्सीन सप्लाई करने का। हमारा 24 करोड़ की आबादी है और हमारी क्षमता है 12 लाख वैक्सीन लगाने का प्रतिदिन, क्योंकि केंद्र सरकार के माध्यम से ही वैक्सीन आवंटन सभी राज्यों को हो रहा है। तो मेरा आग्रह उनसे यही था कि जितना ज़्यादा वैक्सीन बढ़ा सकें, आपूर्ति कर पाए उत्तर प्रदेश को, तो हम 12 लाख के हिसाब से प्रतिदिन हम 3 करोड़ वैक्सीन एक महीना में लगा सकते हैं, जिससे हमारी आबादी को जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट कर पाएँ और आगे के तीसरे वेव के लिए उनको तैयार कर पाएँ। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं आज उनसे वार्ता करने गया था। जय प्रताप जी, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की अब किल्लत होती जा रही है, तमाम सेंटर्स भी बंद होते जा रहे हैं? थोड़ी सी कमी है, क्योंकि उत्तर ये भारत में दो कंपनियां जो बनाती हैं, दोनों की क्षमता अभी थोड़ी सी सीमित है, उन्होंने अपना क्षमता अभी वृद्धि नहीं किया है। उसके आधार पर जितना भी वो बना के देते हैं केंद्र सरकार के माध्यम से सभी राज्यों को, अभी हमको पूरा उतना मिल नहीं पा रहा है। हमने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि क्षमता अनुसार अगर आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो मैं दिसंबर तक इसको पूरा भी कर सकता हूँ। 25% जो प्राइवेट में देते हैं, उनका सुझाव भी था कि वो थोड़ा सा प्रोत्साहन करके इंडस्ट्री और कॉरपोरेट हॉस्पिटल को प्रोत्साहन करें, ताकि वो अपनी क्षमता के हिसाब से जो उनको मिलता है उसका भी उपयोग करें, ताकि उतना आबादी उनके माध्यम से भी वैक्सीनेट हो जाए। मंत्री जी, किस तरह का आश्वासन मनसुख मंडाविया से मिला और कब तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी यूपी के लिए? जल्दी उन्होंने कहा हम करेंगे, इस पर उन्होंने कहा विचार करके हम जितना जल्दी हो पाएगा, यूपी की आबादी को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने में। मंत्री जी, कल प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे पे थे, उन्होंने योगी सरकार की पीठ भी थपथपाई कि उन्होंने वैक्सीनेशन जो प्रक्रिया है बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने निर्वाह किया है, लेकिन एक स्वास्थ्य मंत्रालय का एक डेटा आया था, उसमें ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश 11वें पायदान पर है, बिहार से भी पीछे, बिहार 10th पोजिशन पर है और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो भी रिपोर्ट आपने देखा होगा, मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मगर उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों को मिला के, क्योंकि हमारी 24 करोड़ की आबादी है, तो लगभग 25,000 स्वास्थ्य केंद्र हमारे हैं, जिसमें जिला अस्पताल से लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ और वेलनेस सेंटर, सब सेंटर मिला के लगभग 25,000 हमारे केंद्र हैं। जैसे हमारे कोरोना के केसेस हमारे नियंत्रण हो गया, न्यूनतम पर आ गया, हमने तुरंत अपने सभी सेवाओं को, चिकित्सा सेवाओं को हमने उनको तैयार किया है, उनका रंगाई पुताई किया है, उनमें डॉक्टर उपलब्ध कराए, दवाई उपलब्ध कराई, कंपाउंडर उपलब्ध कराए। तो जो थोड़ी बहुत कमियां थी कोरोना के कारण, जिसमें हम काम नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारा पूरा ध्यान उन छोटे केंद्र को भी अच्छी तरह से संचालन करने का हमारा वो लगा हुआ है, और उसमें हम प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग करके उसको करते हैं। एक अंतिम सवाल, कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, आपने साफ तौर पे कहा कि जो COVID-19 का जो गाइडलाइन है उसको उत्तर प्रदेश फॉलो करेगा, क्या आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, कांवड़ यात्रा एक परंपरागत तरीका से एक आस्था का विषय भी है। हर साल कांवड़ के लोग जाते हैं, क्योंकि ये एक जगह नहीं जाते हैं, ये कई दिशाओं में जाते हैं, हर जनपद से कोई ना कोई मान्यता प्राप्त मान्यता के आधार पर किसी शिवालय पर जाते हैं और अपना जल चढ़ा के वापस आते हैं। तो सुझाव स्वास्थ्य विभाग से मांगा गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, हम लोग ने अपना सुझाव दिया है कि किस किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, उसके आधार पर वो अपना विषय चर्चा करेंगे। इधर जो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी बहुत जो टिप्पणी आई है और उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने कुछ बातें कही हैं, और जिसके लिए सोमवार तक उनको अपना देना भी है, इसको लेके मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी अभी अपने टीम के साथ बैठ के बात करेंगे और इस पर विचार करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जिन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से स्वास्थ्य मंत्रालय में आकर बात की है, और जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन चाहिए, ताकि प्रदेश के लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार।
दिल्ली।